हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, ये प्लेन जो कपड़ा है इसकी कुर्ती हम कटिंग करेंगे और इसको डिज़ाइनर बनाने के लिए हम ये लेसिस का भी यूज़ करेंगे। तो चलिए पहले कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके का प्लेन कपड़ा है, 2.75 मीटर कपड़ा है, क्योंकि लॉन्ग कुर्ती हमने बनानी है, तकरीबन 47 लेंथ की बनानी है, तो 49 तो इसको काटना ही पड़ेगा फोल्डिंग के लिए भी। और ये कटिंग का वीडियो तो मैं अभी बना रही हूँ, आपसे अभी शेयर हो जाएगा, बट क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है इसलिए इसको हमने डिज़ाइनर भी बनाना है, ये लेस का यूज़ करके। ये देखिए, ये दो तरीके की लेस है, इसको हम डिज़ाइनर भी बनाएंगे, पर वो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी कि आप प्लेन कुर्ती पे कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। आज जो है सिर्फ कटिंग का वीडियो शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ा जो आपका साइज़ है ना, वो देखना है आपको। यहाँ पर हमारा सबसे बड़ा साइज़ है हिप का, तो हिप है हमारा 48 में 2 इंच और हमने प्लस किया, जो लूजिंग का करते हैं हो गया 50 इंच। तो 50 इंच का सबसे पहले हमने चौथा करना है, जो कि 12.5 इंच हो जाएगा, और उस 12.5 इंच में ना 1.5 इंच का तो हम जो साइड में फोल्ड करेंगे चाक, उसका चला जाएगा 1.5 इंच वो, और 1 इंच और लेना है हमने डिज़ाइनिंग करने के लिए, पिनटेक्स डिज़ाइनिंग करने के लिए उसमें। तो टोटल ना 12.5 में 2.5 इंच हम प्लस कर लेंगे, तो हमारा हो जाएगा 15 इंच। तो इस तरीके से सबसे पहले हम कपड़े को खोलेंगे। ये हमारे कपड़े की लंबाई है और ये हमारी चौड़ाई है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, यहाँ से हमने 15 इंच नापना है, इस तरीके से पूरी लंबाई में हम 15 इंच का निशान लगा लेंगे। इस तरीके से पूरी लंबाई में हमने 15 इंच का निशान लगाना है। फिर ना इसको ये निशानों से इस तरीके से पकड़ना है, ये देखिए कुछ इस तरीके से कपड़े को करना है। ये हमने निशानों से पकड़ा था और ये हमने उतनी चौड़ाई जितनी हमको कुर्ते के लिए चाहिए ना, उतनी चौड़ाई आ गई है यहाँ पर। इसकी हमने पूरे में यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी लंबाई में कटिंग कर लेंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, जितना मुझे ज़रूरत थी ना कुर्ते के लिए, उतना मैंने कटिंग करके इस तरीके से बिछा लिया है। ये दो फोल्ड है मेरी तरफ, ये बैक के लिए और ये फ्रंट के लिए, और इस तरीके से ये देखिए 4 पीस यहाँ पर हैं। और यहाँ पर ये हमारा कपड़ा बचा है साइड में से, जो लेयर निकली है ना कपड़े की, वो ये है मेरा जो है 2.75 मीटर कपड़ा है, मतलब 3 में से थोड़ा ही कम है। तो यहाँ तक ये देखिए हमारी लेंथ बन रही है, और ये कपड़ा ना एक्स्ट्रा है, तो यहाँ से हमारी स्लीव बन जाएगी। तो जो नीचे वाला कपड़ा है ना, वो मैंने 49 करके बिछाया हुआ है, लेंथ 49 है, क्योंकि 47 हमारी बन के तैयार होगी। और जो ऊपर वाला कपड़ा है वो 45 मैंने रखा हुआ है, क्योंकि ये हमारा जो है 47 तैयार होगा, और इसमें हमने फ्रंट वाले में क्या करना है, ये वाली लेस भी नीचे लगेगी, इतनी चौड़ी लेस लगेगी, इसकी जो चौड़ाई है ना तकरीबन 3 इंच की है, तो इसलिए मैंने फ्रंट वाले को 2 इंच कम रखा है इससे। तो यहाँ से नीचे से आपको दिख नहीं रहा होगा, वैसे यहाँ से मैंने नीचे से किया हुआ है, इसको सीधा कर लेंगे। हमारा बैक नेक जो है ना, वो भी छोटा है, मतलब 4 इंच तक बनेगा। अगर डीप होता ना, तो हमारा जो नॉर्मल शोल्डर है ना, उससे हम कम ले लेते, पर क्योंकि छोटा है तो इसमें हम क्या करेंगे, पूरा ही शोल्डर लेंगे। जैसे 16 है तो 16 का यहाँ पर 8 इंच लेंगे, 0.25 इंच यहाँ पे डाउन करेंगे। यहाँ से हम आर्म होल लेंगे, 6.5 इंच ले लेते हैं। अभी हमारी जो कमर का जो निशान होगा वो होगा 15 इंच पर, हिप का जो हमारा निशान होगा वो होगा 23 इंच पर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ना यहाँ पे मैं भूल गई हूँ एक चीज़, यहाँ पे ना हमने 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा हुआ है कपड़े को, क्योंकि हमने पिनटेक्स लगाने हैं, तो यहाँ पर निशान लगा लूँगी मैं 1 इंच पर। तो इस तरीके से मैंने निशान लगा लिया है, और जो पिनटेक्स है ना, हमारे बैक में भी आएगा, फ्रंट में भी आएगा, वो इधर साइड में आएगा, पर कपड़ा हमने यहाँ पर छोड़ा है। अब यहाँ से ये वाले निशान से हमने लेना है शोल्डर 8 इंच, ये जो निशान मैंने लगाए हैं 3, इनको सीधा कर लेंगे। अब हम गोलाई के निशान लगाएंगे। चेस्ट हमारा है 44, जिसका चौथा हिस्सा होता है 11 इंच, और इसमें लूजिंग का हम 1/2 इंच और देंगे, तो हो जाएगा 11.5 इंच। तो फ्रेंड्स, ये जो है ना कुर्ती, मैं डबल एक्सल की बना रही हूँ, मतलब हैवी साइज़ है। और यहाँ पर जो मैंने 1/2 इंच की लूजिंग दी है ना, या तो आप पहले से ही 44 में 2 इंच ऐड कर लें, या फिर अगर पहले से ऐड नहीं कर रहे 2 इंच, तो यहाँ पे 1/2 इंच बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये 4 फोल्ड है, तो 1/2 1/2 बढ़ाएंगे तो 2 इंच ही हो जाता है।
तो यहाँ पर हमारा जो वेस्ट है वो है 40 इंच, 40 का चौथा होता है 10, इसमें भी हमने हाफ इंच का लूजिंग देना है तो हो जाएगा 10.5 इंच। हिप हमारा है 48, जिसका चौथा होता है 12 इंच, यहाँ पे भी हमने हाफ इंच की लूजिंग देनी है जो कि हो जाएगा 12.5 इंच। तो जो भी हमने निशान लगाने ना, ये जो 1 इंच मैंने छोड़ा है इसी लाइन के ऊपर निशान लगाने, इधर से यहाँ पे 2-2 इंच या फिर 1.5-1.5 इंच और ले ले मार्जिन के लिए। ये वाला जो हमारा शोल्डर का निशान है इसको सीधा कर लेंगे बिल्कुल, यहाँ से 1.5 इंच लेंगे कोने से और यहाँ पर इसकी गोलाई देंगे। फ्रंट का निशान लगाने के लिए इस लाइन के 1 इंच अंदर जाएंगे, तो फ्रेंड्स कटिंग करने से पहले ना आपको क्या करना है, हमारा जो आर्म होल राउंड है ना जो बॉडी पे लिया जाता है, इस तरीके आपको नापना है वो, क्योंकि नापा हुआ रहेगा ना तो कई लोग की जो बिगनर्स की प्रॉब्लम होती है कि आर्म होल उनको या तो ढीला हो जाता है या टाइट हो जाता है साइड फिटिंग लगाने के बाद भी। तो इस तरीके से जैसे हमारा जो पूरी गोलाई है ना 20 है, तो इस तरीके से करने पर 10 इंच आना चाहिए, अभी पूरा ही आ रहा है 10 इंच, ये पूरा हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता, मतलब 10 इंच पूरा नहीं आ रहा, मतलब 9 इंच आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, ये वाली जो लाइन है ना हमारी, इसको हाफ इंच नीचे करके ना इस तरीके से, और फिर आप गोलाई लगा लें, तो उससे क्या होगा आर्म होल बड़ा हो जाएगा। और अगर 10 इंच से ज़्यादा ही बड़ा आ रहा है, मतलब आपने नापा तो 11 इंच आ रहा है, तो यही लाइन को ऊपर कर लेंगे तो आपका जो आर्म होल है वो छोटा हो जाएगा। तो चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए कटिंग हो चुकी है, यहाँ पे हमारी कमर का निशान है, तो यहाँ पे इस तरीके से ये जो कट होते हैं ना ये काफ़ी हेल्प करते हैं जब हम साइड की फिटिंग करते हैं, जब यहाँ पे भी निशान इस तरीके से कट लगा लेंगे। ये जो फ्रंट का आर्म होल है इसको हम कटिंग कर लेंगे, इस तरीके से कर लेना है। तो फ्रेंड्स कुर्ती की तो कटिंग हो चुकी है, इसको हमने डिज़ाइनर बनाना है, लेस वगैरह लगा के पिंटेक्स डालेंगे यहाँ पर, और बैक में भी पिंटेक्स डलेगा। और स्लीव की बात करें तो स्लीव जो है ना, ये देखिए यहाँ से आराम से बन जाएगा स्लीव, ये भी 4 फोल्ड है इस तरीके से, और यहाँ से पूरा इस तरीके से, मैं आपको बता देती हूँ कैसे निकलेगा स्लीव। यहाँ से जो है हमारा फोल्ड है, हमारी जो स्लीव है ना तैयार, हमें 16 इंच की चाहिए, मतलब 16 इंच की। तो इसको देख लेते हैं ये कितना है, ये पूरा 16 है। हमने यहाँ पर जैसे कुर्ती पे पिंटेक्स डिज़ाइन डालना है ना, वो भी यहाँ पे डालेंगे तो कपड़ा थोड़ा छोटा हो जाएगा, पर उसकी भी कोई बात नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पर लेस भी ऐड करनी है, तो सही हो जाएगी जो हमारी लेंथ है। तो चलिए अब कटिंग कर लेते हैं। हमारा जो स्लीव का जो यहाँ से ना थोड़ा चौड़ाई में लिया हुआ है हमने, मतलब थोड़ा बड़ा लिया हुआ है, एकदम फिटिंग का नहीं है, तो वो पूरा गोलाई में हमने 14 इंच लेना है, और यहाँ पर मार्जिन का हो गया। यहाँ से ऊपर से 3.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे, सीधा कर लेंगे इसको। आर्म होल को एक बार नाप लें आप, क्योंकि बिगनर्स के लिए जो एक प्रॉब्लम हो जाती है ना कि उनके जो आर्म होल में है स्लीव फिट नहीं बैठता है, कभी छोटा तो कभी बड़ा हो जाता है। यहाँ से 1/2 इंच छोड़ें और ये वाली लाइन को छोड़ें, ये जो हमारा मार्जिन है इसको नहीं नापना है, इस तरीके से नापना है। ये देखिए 10.5 इंच आ रहा है, पर हम 10.5 इंच नहीं लेंगे, 1/2 इंच 10.5 से कम लेंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, ये तिरछे में कटिंग होती है और जोड़ते समय ना ये बढ़ जाता है, तो इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम 1/4 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरीके से तिरछे में, ये मार्जिन का हो गया। यहाँ पे हम गोलाई देंगे, ये बैक की गोलाई हो गई, ये थोड़ा सा ज़्यादा, ये हमारी फ्रंट की गोलाई हो गई, इस तरीके से ये हो जाएगा। यहाँ पे जो कपड़ा कम पड़ रहा है वैसे तो वो सिलाई में नहीं आएगा, इधर ही रहेगा मार्जिन में ही, फिर भी हम यहाँ पे जोड़ेंगे कपड़े को, सिलाई के दौरान ही बताऊँगी। चलिए कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये स्लीव भी हमारी कट चुकी है, 2 पीस को ऐसे कर लेंगे, 2 पीस लेंगे हम। जब भी आप ये फ्रंट काटें ना, एक बार देख लें कि दोनों सीधे जो हैं साइड अंदर होने चाहिए, उसी के बाद आप ये फ्रंट काटें। तो ये स्लीव भी हमारी कट हो चुकी है। तो फ्रेंड्स इसमें जो है कटिंग का ही ये हमारा वीडियो था, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिज़ाइन करेंगे लेस से और पिंटक से,
तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में दिखाती हूँ आपको। तो अगर ये वीडियो आपको थोड़ी पसंद आई तो प्लीज लाइक का बटन आप जरूर दबा दिया करें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।